महाशिवरात्रि और होली के पावन पर्व पर क्या संदेश रहेगा? मैं सबसे पहले तो जनमंच की आज़ादी न्यूज़ चैनल को अपनी तरफ से व अपनी समस्त जननायक जनता पार्टी की तरफ से, भाई दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से, डॉक्टर अजय चौटाला जी की तरफ से, दिग्विजय चौटाला जी की तरफ से, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, मेरे को इस सम्मान के काबिल समझा कि मैं आऊँ और बात करूँ। और सबसे पहले मैं अपने विंग कमांडर अभिनंदन जी का अपने देश में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनका नाम भी अभिनंदन है और उनको करता भी अभिनंदन हूं और स्वागत करता हूं उनका कि उन्होंने पूरी दिलेरी से, पूरे साहस से पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान की धरती पर जाकर और इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। एक छोटे से विमान से उनका बड़ा विमान मार गिराया और पूरी बहादुरी से वो किसी भी प्रकार से किसी दबाव में नहीं रहे, झुके नहीं किसी तरह से पाकिस्तान के आगे, और पाकिस्तान के अंदर 60 घंटे बिताकर भी वो पूरी दिलेरी से, बहादुरता से, निडरता से वहाँ पे डटे रहे और विचलित नहीं हुए। मैं उसके लिए भी उनको भी बधाई देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ और अपने समस्त देशवासियों को जननायक जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर अजय चौटाला जी की तरफ से, भाई दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से, भाई दिग्विजय चौटाला जी की तरफ से महाशिवरात्रि के पर्व की और होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। शुभ अपेक्षाएं रखता हूँ कि सभी के लिए ये पर्व मंगलदायी हो, पावन हो, सबके घरों में खुशियाँ लाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर, खास करके हरियाणा के बहादुर लोगों से, कि वो जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाएं और भाई दुष्यंत चौटाला जी को देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करें। मैं बार बार यही अपील करता हूं कि भाई दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाएं और इस प्रदेश का विकास कराएं और इस प्रदेश को निरंतर विकास की ऊँचाइयों पर लेकर जाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बोलिए और